हल्का भुआ के मैराकला गांव के 50 परिवारों में से 42 घरों के बोरवेल सूख चुके हैं। इन परिवारों का आरोप है कि इलाके में लगातार हो रही अवैध माइनिंग से जलस्तर बहुत नीचे चला गया है। गांववासियों ने आप नेता लालचंद कटारूचक की अगुवाई में जलाधीश संयम अग्रवाल के साथ मुलाकात कर समस्या बताई। जलाधीश संयम अग्रवाल ने कहा कि पब्लिक हेल्थ एक्शन को निर्देश जारी कर दिए गए हैं, गांव में फंड जारी कर लोगों की मदद की जाएगी। अज असी मैरा कला पिंड जिहड़ा नोट जमल सिंह ब्लाक डिस्ट्रिक्ट पठानकोट बिल्कुल रावी के कंढे वसदा पिंड आ, जिस पिंड दे विच इस वेले लगभग 50 दे करीब घर ने जिहड़े एक वड्डी त्रासदी च गुजर रहे आ। पंजाब दे अंदर वसदे होण दे बावजूद जिहड़ा पंजाब पाणी दे नां ते वसिया ते विशेष तौर ते दरियावां दे कंढे रहिण वाले लोग आज जिस वड्डी मुश्किल च गुजर रहे आ, वो मुश्किल है इस पिंड दे अंदर 50 घरां दे विच्चों 42 घरां दे नलके सुक गए आ। ये 42 घर वो ने जिहड़े बिल्कुल मजदूर ने, दिहाड़ी दप्पा करदे आ, मेहनत करदे आ, जिहड़े वड्डियां रकमां खर्च के सबरसीबल पंप नहीं लवा सकते, डूंगे बोर नहीं करा सकते। सो अज समुचे पिंड दे लोग आए आ। असी डिप्टी कमिश्नर साहब नूं अज बेनती कर रहे हाँ कि असी तुहाडे को अनाज नहीं मंग रहे, असी तुहाडे को नौकरी नहीं मंग रहे, असी तुहाडे को बिजली नहीं मंग रहे, असी जिउंदे रहने लई पानी मंगदे हाँ। पानी सानू पानी प्रोवाइड कराया जाए। मैं अज असी डी साहब नूं मिले हाँ, उन्होंने रिक्वेस्ट भी की है और असी तुहाडे माध्यम दे राहीं उन्हें हज़ारों लोगों को ये मतलब दसना चाहते हाँ कि जिहड़ी गैर कानूनी माइनिंग है, हल्का भुआ जिहड़ा इस गैर कानूनी माइनिंग का वड्डा केंद्र बनया होया, हल्का भुआ तो गैर कानूनी माइनिंग, ये दो गल्लां इक्के चीज़ बन गई ने अज। और कल्ला यही नहीं भी लोगों के जीवन लिए पानी ही मतलब मुक गया आ, जिहड़ी फसलां नूं मोटरां चों बंबियां चों पानी लगना ही वो बोर भी सुक गए आ, लोगों की फसलां सुक रही ने। सो असी अज इस वड्डी त्रासदी नूं मतलब पंजाब के लोगों सामने रखना चाहते हाँ कि पंजाब के अंदर जिथे बाकी समस्यावां तो लोग पीड़ित ने, पंजाब च बत्ती नहीं आ रही, पंजाब च रुजगार नहीं है, एजुकेशन लो साडे गरीबों को खोली है, इलाज खोलिया, पर जिउंदे रहन दे लई जिहड़ा पानी है जिहड़ा जिहदे तो मनुख दो मिनट भी नहीं रह सकता, अज मैरा कलां दे समुचे लोग जिला प्रशासन तो ये मंग करन लई आए कि सानू पानी प्रोवाइड कराया जाए, पानी मुहैया कराया जाए ता जो असी जिउंदे रहन लई। कपड़े धोना साडे लई मुश्किल है क्योंकि दरिया जिहड़ा बिल्कुल इन्हां दे कंढे है, बिल्कुल इन्हां दे घरां तों 250 मीटर दूर ते माइनिंग हो रही है, 60-60 फुट डूंगी माइनिंग है, तो जिथे कोई पानी नहीं बचिया इन्हां दे कपड़े कित्थों धोने आ, पशुओं नूं कित्थों पिआउणा, ये सवाल भी अपने थां आ। लेकिन जिउंदे रहन लई पानी सवेरे चाहिए, शाम नूं दुपहर नूं पानी चाहिए, तो पानी मैरा कलां दे लोकां नूं मिले, ये असीं मंग लै के अज डिप्टी कमिश्नर साहब तों आए हाँ। सानूं आस है भी ओह मतलब इस गल नूं पहल दे आधार ते, चाहे उत्थे कोई टैंकर लाए जाण, चाहे उत्थे किसी भी टैंक की व्यवस्था की जाए, मैरा कलां दे लोकां नूं जिहड़ा पानी है वह मुहैया कराया जाए। असी काफ़ी दिनों तो उस पिंड की स्टडी की है, मैं आप उस पिंड जाके आया, कल्ले कल्ले घर च गया, तो सच्ची मुची असी जिला प्रशासन नूं भी ये बेनती करते हैं भी साडे वल्लों रखे जिहड़े तत्थ ने, जिहड़ी असल स्थिति है उहदा वह भी जाके उत्थे मौके ते जाण, उहदा निरीक्षण करन, और निरीक्षण करन तों बाद साडी गल जे सच पई जांदी है तां इमीजिएटली उत्थों दे लोकां नूं पानी जिहड़ा प्रोवाइड कराया जाए। असी घर घर जाके उस पिंड की तहकीकात की है, गैर कानूनी माइनिंग ने लोगों के मूँह चो पानी भी जिहड़ा खोलिया आ, जिस पानी लई अज असी इत्थे जिला प्रशासन नूं बेनती करन आए हाँ। आस ते उम्मीद करते हाँ कि पानी जिहड़ा है इस हल्के दे लोकां नूं प्रशासन मुहैया करावे, ये साडी उहनां नूं बेनती है। निशा की परेशानी आ रही पिंड दे? सानूं पानी दी ज़्यादा समस्या है जी, बहुत ज़्यादा है, तो मतलब किसी दे घर भी नहीं पानी, तो दो चौं घर पानी है जिहड़ा सारा पिंड वरते करता है, तो सानूं इहो ही मतलब वाटर सप्लाई होनी चाहिए है, पानी होना चाहिए सारे दे घर, सानूं बहुत ज़्यादा पानी समस्या, होर भी बड़िया सहूलत होंदियां पर चल ज़्यादा सानूं पानी की समस्या। क्रैसना कारण नाल ही माइनिंग होए करदी, पटोए कदर नाल ही कारण साडा पानी सुक गया। अं यही मंग करने बस साढ़े पिंड पानी होना चाहिए है, सारे घरें मतलब होना चाहिए। असं पिंड मैरा कलां तो जी, सानू दिक्कत यह भी पानी की, पहला तो लगभग 5-4 फुट से पानी हैगा, अजक जो अं बोर भी करा जाए तो इन्नी हिम्मत नहीं है, साढ़े लगभग इन्ना डूा पानी चल गया
जरा गरीब बंदा नहीं करा सकता, हूँ अं 200-300 रुपया दिहाड़ी लैंने जे सू कोई कहे भी बोर कराना अं कि करावे जी। पानी डूंगा होने का कारण भी लागे क्रैश चल रहे हैं, जो तो उन्होंने इन्नी डूंगे पुट्टे करते हैं, जो तो उनका कोई पटाई का हल भी बराबर रखन, जो सू पानी का हल कोई साढ़ा कर, अं पानी तो बड़े परेशान हाँ। दो चार घर के बिच किनू किनू रोक सकता जी, जो चार घर किसी ने चलो तगड़ा बंद जो कोई करा सकता साढ़े वर्ग नहीं करा सकता तो वही बाल्टियां पर किनू किनू रोकेगा। सू दिक्कत है पानी की, साढ़े पानी का हल कराओ तो बड़ी मेहरबानी होगी, सू पानी चाहिए और बाकी तुम पानी की दिक्कत है बस और कुछ नहीं, बाकी पानी की बड़ी दिक्कत है। नाम पिंड वाले जो पिंड मेरा कला तो अज मेरे को आए थी तो लगभग 50 घर मैंने दसिया है जिससे पानी की समस्या आ रही है, तो जो साढ़े एक्शन पब्लिक हेल्थ है उन्होंने हदायत की हुई है कि उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व करने वास्ते तुरंत कार्रवाई की जाए, तो जो भी फंड्स वगैरह उस वास्ते चाहिए होंगे तो वो अरेंज करवा के उन्होंने प्रॉब्लम का हल कर दिया जाएगा। प्लस टू तक तो मैं पढ़ाई में ठीक ठाक थी, पर ग्रेजुएशन में आने के बाद मेरा पढ़ाई से मन सा उठने लगा। मन चाहे प्यार से शादी कौन नहीं करना चाहता, कारोबार में हो रहा घाटा आदमी परेशान तो होगा ही। रागी होम डेकोर, गिव योर होम ऑफिसेज इंटीरियर एंड एक्सटीरियर वॉल्स सीलिंग furniture and door panel an elegant look, expert in UV PVC wall wallpapers partition jali wood flooring, आपकी काल्पनिक सोच को उतारे आकार में और आकार सवारे आपके घरों दफ्तरों और किसी भी प्रकार के व्यवसायिक स्थलों को 100% इको फ्रेंडली, 100% मॉइस्चर प्रूफ, 100% टर्माइट प्रूफ, एक्सीलेंट वेदरबिलिटी, साउंड रिड्यूसिंग, फायर रिटार्डेंट, रिसाइकलेबल एंड लाइटवेट जैसी खूबियों से भरी शीट्स, बेहतर व आधुनिक पसंद के लिए याद रखें रागी होम डेकोर, केयर ऑफ रागी डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड प्रमोटर्स, वार्ड नंबर 11 नियर नोबेल्टी मॉल, Mamoon Road, Pathankot. Contact us on 9540066113.